तो ये देख लो भाई, पंजाबी स्टाइल राजमा बनाई है, वो भी रामकुमार गौड़ अंकल जी हैं यहाँ पे, इन्होंने बनाई है ये। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है, क्या क्या मसाले इसमें डाले जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये बनाई जाती है। तो आपको पता चल ही गया होगा हमारे के विक्रम स्वीट्स में और क्या क्या इनकी शॉप में मिलता है, आपको सारी चीजें पता है। अगर आप दिल्ली के आसपास में रहते हो और आपको घर में कोई छोटा बड़ा पार्टी फंक्शन वगैरह है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और कुछ भी मिठाई वगैरह या कुछ भी फंक्शन के लिए ऑर्डर करना है तो आप इनसे बात कर सकते हो, रेट वगैरह सारी चीजें आपको बता देंगे। तो नंबर दे रखा है, इनसे बात करिए, ऑर्डर करिए जो भी चीज आपको इनके यहाँ से मंगवानी है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बनने जा रही है राजमा, वो भी पंजाबी स्टाइल में, पंजाबी राजमा जैसे बनाई जाती है ना। तो अंकल, राजमा रात भर भिगा के रखनी है किस तरीके से? और कितनी सीटी में उबल जाएगी? अगर रात को खुला है तो 3 सीटी में उबल जाएगा। अंकल कह रहे हैं अगर आपने रात भर राजमा भिगा रखी है तो सुबह 2 से 3 सीटी में ये बन के आपकी रेडी हो जाएगी, उबल जाएगी प्रॉपर। अंकल ने यहाँ पे तेल ले लिया, तेल कितना अंकल? ये 250 ग्राम यहाँ पे ये तेल है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या मसाले डालते हैं। तो अब ये देख लो, यहाँ पे अंकल ने डाल दिया इसमें 1 चम्मच जीरा। अब डालेंगे प्याज। अब इसमें अंकल डाल रहे हैं प्याज, पंजाबी स्टाइल में बन रही है ना अंकल? पंजाबी तड़का पंजाबी जायका जो होता है ना, उस तरीके से बन रही है अपनी राजमा। अंकल ने पहले 1 चम्मच जीरा डाला था, उसके बाद डाले प्याज। और प्याज कितने होंगे अंकल? ये 200 ग्राम प्याज। अब इसको भूनेंगे, ब्राउन करेंगे, और आंच वैसी आपको रखनी है, मीडियम आंच में आपको इसको पकाना है। ये देख लो इस तरीके से। तो ये देख लो, यहाँ पे प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज अपना ब्राउन हो चुका है। और अब अंकल इसमें डाल रहे हैं अपना अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जितना अदरक है उतना ही हरी मिर्च। और कितना होगा अंकल ये टोटल? ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम अपना यहाँ पे पेस्ट था, आधी किलो राजमा के हिसाब से सीख रहे हैं हम, आधी किलो राजमा के हिसाब से क्या क्या मसाले पड़ेंगे, कितनी क्वांटिटी में पड़ेंगे, पंजाबी तड़का पंजाबी स्टाइल में राजमा जो बनाते हैं हम वो किस तरीके से बनाई जाती है और क्या क्या मसाले डाले जाते हैं। तो ये देख लो, अब इसको भूनेंगे, जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता अच्छे से तब तक इसको भूनेंगे, उसके बाद इसमें और मसाले डालेंगे, और मीडियम आंच में ही आपको इसको पकाना है। पेस्ट को डालने के बाद आपने भूनना है, उसके बाद अंकल इसमें डाल रहे हैं टमाटर की प्यूरी। टमाटर आपने लेना है, उसको मिक्सी में पीस देना। और कितना होगा अंकल ये टमाटर? ये होगा 250 ग्राम। 250 से 300 ग्राम अंकल ने टमाटर लिया है, जिसको उसमें पीस दिया है, इसका पेस्ट बना दिया है बिल्कुल। 1 पाव टमाटर है ये देख लो, और ये थोड़े से टमाटर अंकल ने छोटे छोटे बारीक काट के डाले हैं। तो थोड़े से टमाटर अंकल ने छोटे छोटे बारीक करके काट के डाले हैं, और बाकी टमाटर अंकल ने यहाँ पे ये ले रखे हैं, इसको पीस दिया है, प्यूरी बना दी है उसकी, वो डालेंगे। तो अंकल इसमें आप नमक डाल रहे हैं ताकि टमाटर गल जाए। ये देख लो, नमक डाल दिया अंकल ने यहाँ पे 1.5 चम्मच, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। नमक कम इसलिए डाला है क्योंकि राजमा में भी पहले से नमक डाला हुआ है, तो इसलिए कम नमक डाला है। अगर आप राजमा में नहीं डालोगे नमक तो आपको इसमें ज़्यादा डालना है, जैसे अंकल ने यहाँ पे 1.5 चम्मच डाला है तो आपको 2 से 2.5 चम्मच नमक डालना है। यहाँ पे इसके मसाले को अच्छे से पका रहे हैं, भून रहे हैं, ब्राउन कर रहे हैं। अब अंकल ने यहाँ पे डाल दी इसमें देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च आप बोल सकते हो। कितना होगा अंकल ये? 2 चम्मच? 1 चम्मच। हाँ हाँ, तो 1 चम्मच अंकल ने इसमें डाली है कश्मीरी मिर्च, और ये हल्दी ये भी उतना ही होगा अंकल? 1 चम्मच हल्दी डाली है इसमें। धनिया पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच धनिया पाउडर। और ये मोटी कुटी भी लाल मिर्च है, ये भी 1 चम्मच। मसाले आपके 1 चम्मच ही जाएंगे ज्यादातर। और अब डाल दिए इसमें प्यूरी टमाटर की, और अब अंकल ने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी है, जो टमाटर का पेस्ट था ना जो बताया था मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है वो डाल दिया है। अब इसको कितनी देर तक पकाएंगे अंकल मसाले को? 2 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद इसमें राजमा मिला देंगे। ठीक है, तो 2 मिनट तक इसको पकने देते हैं, फिर जब अंकल इसमें राजमा मिलाएंगे तब देखेंगे। तो ये अंकल ने इसमें डाल दिया गरम मसाला 1 चम्मच अंकल ने इसमें गरम मसाला डाला है, साबुत गरम मसाला। राजमा पड़ गया, और इसमें डाल दिया अब अंकल ने राजमा।
आधा किलो राजमा के हिसाब से बता रहे थे सारी चीजें, सारे जो मसाले वगैरह बताए हैं, प्याज टमाटर कितना क्या डालना है सारी क्वांटिटी वो आधे किलो राजमा के हिसाब से बताइए आपको। अब राजमा इसमें डाल दिया, आप कितनी देर तक पकाएंगे अंकल इसको? दो ही मिनट पकेगा, उबाला आएगा उतार देंगे। पहले का भी पका हुआ है तो ये वैसे तो ऑलरेडी ये पका हुआ है, राजमा बॉईल करी हुई थी हमने, तो इसको दो एक मिनट तक और पकने देते हैं, अच्छे से बॉईल होने देते हैं, बढ़िया तरीके से पकने देते हैं, उसके बाद जो भी इसमें डालेंगे या जो भी करेंगे वो हम आगे देखते हैं दो मिनट के बाद। तो ये देख लो राजमा दिखने में काफी बढ़िया लग रही है आपकी, पकने लग गई है और उबलने लग गई है, उबाल इसमें आ रहा है। पक गया, ये पक गया अंकल जी। ओके, ओके, अब इसमें धनिया वगैरह डालोगे कुछ? हाँ, डालूंगा। तो डाल दीजिए अंकल, धनिया भी डाल दीजिए इसमें ताकि इसका स्वाद और डबल हो जाए। तो ये देख लो अंकल ने इसमें डाल दिया धनिया यहाँ पर, और अब ये बनके अपनी कंप्लीट हो चुकी है राजमा की रेसिपी। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।